खबर पिपरिया से है, जहां संखनी में विद्युत उपकेंद्र 33,111 केवी पर पिपरिया विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक ठाकुरदास नागवंशी, होशंगाबाद जिलाध्यक्ष माधव दास अग्रवाल द्वारा नए पावर ट्रांसफार्मर 5 MVA का शुभारंभ किया गया। विधायक ने बोला कि पूर्व में संखनी उपकेंद्र से 2 11 KV कृषि फीडर उदयपुरा और मुड़िया खेड़ा की विद्युत सप्लाई चलती थी, जो कि धान और मूंग के सीजन में ओवरलोडिंग की समस्या से ग्रसित थे। संखनी उपकेंद्र में एक अतिरिक्त MVA पावर ट्रांसफार्मर रखे जाने से पूर्व के इन दोनों कृषि फीडरों का विभक्तिकरण कर दिया गया, जिससे विभिन्न गाँव मुड़िया खेड़ा, गुरारी बोर, खेरुवा, उदयपुरा, संखनी, धनाश्री, झालौन आदि गाँव की कृषि फीडरों पर ओवरलोडिंग की समस्या से निजात मिलेगी और शासन के नियम के अनुसार 11 घंटे कृषि विद्युत सप्लाई सुचारू रूप से मिलेगी। कार्यक्रम में भाजपा वरिष्ठ नेता बलराम सिंह बैस, नवनीत सिंह नागपाल, खापरखेड़ा मंडल अध्यक्ष राजा पटेल, पवन वालिया, दिलीप पटेल, सभी सम्मानीय भाजपा परिवार के सदस्य मौजूद रहे। आज वैसे भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जयंती दिवस है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और हमारे विचार के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। इस देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान नहीं रहेंगे, ऐसा हमको मूल मंत्र देने वाले आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है। इस जयंती के दिन इस प्रदेश में, इस राष्ट्र में, इस प्रदेश में, इस जिले में, इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और राज्य में जब से सरकारें बनी हैं, जब से निरंतर प्रगति हो रही है और आज हम उसी मूल मंत्र पर जनता के सबसे छोटे तबके तक जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे माननीय विधायक जी उसी मूल मंत्र को लेकर सेवा भाव से नीचे से सब नीचे के तबके तक की सेवा हो सके उसी निहित लगे हुए हैं। उसी कार्यक्रम में आप लोगों की जो समस्याएं थी उनका निदान करते हुए आज एक नया फीडर का यहाँ उद्घाटन हो रहा है और आपकी समस्याएं मेरे को लगता है कि इससे बहुत कुछ सुलझेंगी, आगे भी सुलझ जाएंगी और भी जो समस्याएं होंगी हम सब मिल बैठ के इनका निदान करेंगे। इन्हीं इसी आशा के साथ आप सबको बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, जिला मंडल अध्यक्ष सम्मानित माधव जी अग्रवाल जी, मेरे बड़े भाई सम्मानित बलराम सिंह बैस जी, सम्मानित मैडम जी, सम्मानित नए मंडल अध्यक्ष राजा पटेल करोटा वाली, सम्मानित डब्ल्यू भैया, शिवू भाई, सुनील भाई और दिलीप भाई और सभी कार्यकर्ता बंधु उपस्थित पत्रकार आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले यदि हम जाएं और वो दिन याद करें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमें 4 घंटे या 3 घंटे सप्लाई मिलती थी। बोलो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और आपने मुझे जिताकर उन पर विश्वास किया तो सबसे पहले हमने एक ही मुहिम चलाई थी, लाइट। और आप कल्पना नहीं करेंगे पूरा बजट निकला, अरबों खरबों रुपए हमने पिपरिया विधानसभा में सिर्फ लाइट के लिए। तो मैं ये अच्छे से कह सकता हूँ कि पिपरिया विधानसभा में हर 5 किलोमीटर के अंदर 33 सब स्टेशन है हमारे पास। और उसके बाद भी क्योंकि हमने ये जो व्यवस्था जमाई थी वो ये सोच के समाई थी कि आने वाले समय में हम लाइट से हमको प्रॉब्लम जाएगी, मतलब वोल्टेज समस्या नहीं जाएगी। पर चूंकि आधुनिक युग है वो हर संसाधन इलेक्ट्रिक का है, इसलिए बढ़ते हैं। पहली समस्या हमको आई कि जो हमारी 5 HP के कनेक्शन के हिसाब से ये सारी व्यवस्थाएं जमाई थी हम लोगों ने। अब आप कोई मेरे ख्याल से 5 HP का तो बचा नहीं, एक बार अगर वो जल जाती है और हम मरा के लाते हैं तो वो 8 की हो जाती है, 7 या 8 की हो जाती है। तो निश्चित एक ट्यूबवेल पे, और पहले हम 7 की करते थे, अब लोगों ने 10 के लिए लिखे हैं कनेक्शन, निश्चित पानी नीचे पहुंचा और पानी को हमको पूर्ति करने के लिए हमने ज़्यादा पावर की मोटर डाली
इसलिए क्षमता वृद्धि के लिए हमने प्रयास किया। और मैंने ये भी प्रयास किया, आपको बता दूं इसके पहले हमारे पास जितने सब स्टेशन थे 33 KV के, सब में 5 एम्पियर का था, हमने 3.5 हाँ 3.5 का, फिर उसके बाद हमने 4 और 5 का ऐसे कर करके सबकी क्षमता वृद्धि करती गए। और ये भी हो गया है जहाँ 2 फीटर चलते थे आज इससे 4 फीटर चलेंगे, निश्चित वोल्टेज की समस्या। और मैडम को इसलिए धन्यवाद दूंगा, स्टाफ को मैंने कम समय में और बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और किसान भाइयों को मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि लाइट की जो बार बार मुझे फ़ोन करते थे, मुझे और डब्ल्यू भैया को फोन करते थे बार बार, ये समस्या से समाधान हो जाएगा, पर आप फोन करना बंद ना करें। आप और दूसरी समस्या है उसके लिए फोन लगाएं, हम दोनों को कभी बुरा नहीं लगता, एक व्यक्ति का 10 बार भी फोन करेगा तो ना भैया गुस्सा होते ना मैं गुस्सा होता। ये आपका अधिकार भी है और हमारा सेवा का फर्ज भी है, आपकी समस्या का हम समाधान कर पाएं। कभी कभी हम तत्काल कर देते हैं तो आप धन्यवाद देते हैं, कभी कभी नहीं हो पाते हैं तो नाराज भी हो जाते हैं। ज़्यादा नाराज मत होना लंबे समय तक, ये ध्यान रखना, आपकी हर समस्या आपकी समस्या नहीं है, हम सब प्रतिनिधियों की आपकी समस्या है, हम पूरी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं सपनों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मध्य। खबर भारत वर्ष के लिए पिपरिया से नवनीत परसाई की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।